आज का टॉपिक। आज मैं बात करना चाहता हूँ उस बात पे जो रिसेंटली नहीं कह सकता, लेकिन एक जनरल है, एक ऑफिस पॉलिटिक्स बोलो या फिर अगेन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए उस पे फोकस्ड। एक मेरे जानने वाली है, मैं जानता हूँ उसे काफ़ी अच्छे से काफ़ी टाइम से, सेज इन अ वेरी हाई पोस्ट इन हाई मैनेजरियल पोस्ट बेसिकली, जहाँ पे वो क्लाइंट के साथ इंट्रैक्शन होता है एंड सी गेट ऑफर्स ऑफ कमीशन फ्रॉम द क्लाइंट और कहीं और से भी कुछ ना कुछ, जस्ट टू यू नो फॉर एग्जांपल कि इनका जो प्राइमरी बिजनेस है जहाँ पे वो वर्क करती है उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ कमीशंस क्लाइंट्स देती है या ऑफर करता है। इट्स प्रीटी नॉर्मल इन एनी कंपनी। सी यू शुड डिस्कस विथ मी दिस व्हाइल सी वाज इनिशियली ज्वाइंड अस इन हायर मैनेजमेंट रोल। उस वक्त भी बिकॉज आई नो डीप विद इन हर ऑनेस्ट और मैं उसको नेचर जानता हूँ बहुत टाइम से दूसरे से जानते हैं, इसलिए मैं उसे मेरी सलाह ये हो या ना हो लेकिन उसे यही करना भी था, बस उसको एक मुहर चाहिए थी मेरे से शायद कि मेरी राय क्या है। मुहर नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली मेरी राय ही कहना चाहिए, पर उस वक्त भी मैं यही कहता था कि अगर कोई कमीशन की बात करे या ऐसी बात करे तो अपने नेक्स्ट लेवल से डिस्कस करो, अगर वो भी कमीशन की बात करे तो उसके ऊपर लेवल से डिस्कस करो और फाइनली ये प्रोसेस होता है क्योंकि कमीशंस और ये सब चीज़ें आती आती रहती हैं। एट द एंड आपको मैटर ये करता है कि आप क्या चाहते हो और आपकी सोल जो है कुछ में खुश है। ऐसा ही कुछ इंसिडेंस हुआ, वो ईमानदार रही हमेशा अपनी कंपनी के लिए और कुछ साथ वाले जो उसके ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही थे, उन्होंने कुछ पटान या फिर अननेसेसरी कमेंट्स पास करना चालू कर दिए जस्ट टू इमेज खराब करने के लिए। सी वाज क्राइंग टुडे, सी वाज एक्चुअली अपसेट सिंस यस्टरडे। मुझे समझ में आ रहा था कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे वो अपसेट है। सो जब आज डिस्कशन हुआ तो मुझे पता चला कि ये इसलिए है क्योंकि कोई उसी के लेवल के मैनेजमेंट लेवल पे उसकी बुराई कर रहा है कि ये कमीशन लेती है अपने काम के लिए और सस्ते सस्ते यहाँ पे प्रोजेक्ट लाती है। प्रोजेक्ट सस्ता हो या महंगा हो या जैसा भी हो उसकी क्वालिटी वो डिपेंड नहीं करता कि सस्ता लाने के लिए कमीशन लिया गया है, ये इस पे नेगोशिएशन होते रहते हैं। तो अगर कोई वर्क नहीं है, कोई टाइम स्लॉट फ्री है तो सस्ता भी प्रोजेक्ट कंफर्टेबली कंपनी ले सकती है या फिर उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं जस्ट टू नॉट सेटिंग आइडल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम और टू ग्रो कंपनी और टू हैव दी कस्टमर रिलेशनशिप आल्सो। कमीशन से एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है आज की डेट पे किसी भी कंपनी की और इस लेवल पे जहाँ पे क्लाइंट नेगोशिएशन पार्ट पे आते हैं या फिर उसके वर्कर्स
नॉट अंडर द टेबल काम करवाने के लिए कमीशन दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे, उसे उसका सोल क्या चाहता है, उसका डीप लेवल क्या चाहता है। क्या वो कमीशन लेके अपनी जो दो रोटी खा रहा आराम से खा सकता है? अगर उसकी आत्मा इसे अलाई करती है तो प्रॉब्ली मे बी गुड, लेकिन अगर उसका सोल ये अलाउ नहीं करता है, एक्चुअली अगर उसकी आत्मा भी अब अलाउ करती तो भी अच्छा नहीं है मेरी ओपिनियन से। तो ऐसे ही कुछ केस हुआ जब ये पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, शी वाज अपसेट एंड शी डिस्कस विद मी दिस मॉर्निंग। देन आई सेड देयर इज अ प्रोसेस बेसिकली इट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंसेस विच द कंपनीज आर द हायर इंटेलेक्चुअल हैव बीन फेस्ड इन अ पास्ट। प्रोसेस यही कहती है कि फर्स्ट पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, और जो आप हो, आप ऑनेस्ट हो, आप मुझे पता है इस बात को, आपको भी पता है, और ये कंपनी में आपके साथ काम करते करते कई लोगों को भी पता हो गया होगा बिकॉज काफ़ी टाइम से आप वहाँ पे हो। तो अगर किसी को पता नहीं भी है तो भी, अगर आप नए भी हो तो भी, पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आप जो भी मेन पॉइंट है, जो भी बंदा है या बंदी है जो आपके बारे में ऐसा कह रहा है या कह रही है, उसे आप पर्सनली बात करो। कुछ डिस्प्यूट हैं उस पर वर्कआउट करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है एंड स्टॉप दैट देयर इट्सेल्फ। हालांकि उसका कहना था कि एक लड़की होने पे या फिर एक वुमेन होने पे कई बार ऐसा होता है कि अगर उनके हिसाब से नहीं है तो उसके कैरेक्टर पे या फिर इस तरह का भी बोला जाता है, बोल सकते हैं लोग। अगेन ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लड़की हैं और आपको कोई बोल रहा है तो ये भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट। अगर उसने बोल दिया तो आप बल्कि एक पॉजिटिव एक प्रॉफिट एरिया में हो जहाँ पे आप उसे केस कर सकते हो, या फिर आप उसके कोर्ट पे इस बात के लिए बात कर सकते हो। खैर ये बात की बात है। दूसरी बात ये होती है, ये पहला स्टेप है, अगर वो आपको उससे रिजॉल्व नहीं होते या फिर अगेन ऐसा चल रहा है तो फिर आपको अपने नेक्स्ट लेवल जो आपका बॉस है या फिर आपका सुपीरियर है उससे डिस्कस करना चाहिए। अगर वहाँ पे भी ये बात नहीं होती है, यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है, देन डिस्कस टू दिन अनदर नेक्स्ट लेवल आर एच आर आर समथिंग वन। ओके, कई कंपनियों में तो ये टीम भी होती है जो बेसिकली दी एंटी ब्राइब और एंटी हरासमेंट और काइंड ऑफ स्टफ में काम करती है। अगर आप ऐसी कंपनी में नहीं है तो भी आपको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल में बात करें। एट द एंड आपको वो लेवल आप कंपनी के ओनर या कंपनी के बॉस तक लेके जाना है, अगर वो प्रोसेस वहाँ पे इनबिल्ट नहीं है तो। अगर वहाँ पे भी ऐसा ही होता है तो आपको ये मान लेना है कि इस कंपनी का भविष्य जो है वो आपके लिए सही नहीं है, इस कंपनी का भविष्य सही नहीं है, इनके एथिक्स सही नहीं है, और ये कंपनी आपके करियर को फ्यूचर नहीं देगी, आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए, आपको वहाँ पे रिजाइन करना चाहिए। और रेजिग्नेशन के बाद एग्जिट इंटरव्यू में भी सेम बात यही बोलनी चाहिए कि मेरा करियर और मेरे एथिक्स और मेरे लेवल इस कंपनी के हिसाब से नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन होता क्या है कि लोग अपने
इन पर्सनल मतलब इन इन डिस्प्यूट्स की वजह से पर्सनल लाइफ खराब करते हैं, 24/7 वही सोचते रहते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, अपने फैमिली पे ध्यान नहीं देते, लेकिन 24 घंटे दिमाग में वही चलता है, विच आई अंडरस्टैंड। और ख़ासतौर पर अगर कोई लड़की है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने करता भी है, कोई अच्छी लड़की है या फिर कोई अच्छा लड़का है तो भी, आजकल सब कुछ है, इट्स नॉट लाइक लड़की और लड़का सब होता है, लड़के भी ऐसे होते हैं, लड़कियाँ भी ऐसे होती हैं, अब इट डिपेंड्स ऑन कि उनकी ग्रूमिंग कैसी हुई है और वो कैसे बैकग्राउंड से आए हैं और क्या उनके करंट स्टेट ऑफ लेवल है। इस बात से ऐसा इन हर फेज की बहुत काफ़ी रिलीफ था उसे, एंड आई डोंट नो कि आगे जाके क्या रिजल्ट होगा, बट आई फील एंड आई विश कि अच्छा ही हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर हर एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दी सच पीपल सच पर्सन हु इज़ वॉचिंग मी एंड हैविंग सम काइंड ऑफ दिस थिंग्स इन हिज और हर ऑफिशियल लाइफ। आई होप आई कुड एबल टू सॉल्व लिल बिट ऑन देयर प्रॉब्लम, इफ आई कुड एंड आई विल बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट डे, बाय।